हम उठाएंगे आपकी आवाज, गांव हो या शहर, दिखाएंगे वही जो होगा सही। जी न्यूज इंडिया। सुबह की देश और राज्यों से बड़ी खबरें। चेन्नई में चेस ओलंपियाड का शानदार आगाज, पीएम मोदी ने कहा तमिलनाडु शतरंज का पावर हाउस। भारत में पहली बार हो रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर तमिलनाडु की संस्कृति को दर्शाते रंगारंग कार्यक्रम में उद्घाटन किया। 44वें चेस ओलंपियाड के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, खेलों में कोई हारता नहीं, विजेता और भावी विजेता होते हैं। आधार से जुटेगा वोटर कार्ड, अगस्त में छिड़ेगा देशव्यापी अभियान, चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को दिए जरूरी निर्देश। राष्ट्रपति का बयान, महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को भेजा नोटिस, साथ ही सोनिया गांधी को भी चौधरी के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की। नहीं थम रहा विवाद, कांग्रेस ने स्पीकर को लिखा पत्र, सोनिया गांधी के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की मांग। सोनिया और स्मृति के बीच नोकझोंक के बाद सामने आया सुप्रिया सुले का बयान, बोली हमें सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। आजादी के अमृतकाल में जनता को महंगाई का विष पिला रही भाजपा, राहुल गांधी। कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा, पीओके से दूर रहे चीन, भारत ने ड्रैगन को चेताया। भारत का समुद्र में बढ़ा पावर, नौसेना को मिला देश का पहला स्वदेशी विक्रांत। बाड़मेर में वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश, दोनों पायलट शहीद, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। 50 करोड़ कैश जब्त करने के बाद अर्पिता मुखर्जी के चौथे घर पर ईडी का छापा, पार्थ चटर्जी की है करीबी। पार्थ चटर्जी को टीएमसी के सभी पदों से हटाया गया, निर्दोष साबित होने के बाद ही पार्टी में एंट्री होगी, जल्द पूरी हो जांच, अभिषेक बनर्जी। राष्ट्रपति को लेकर अमर्यादित टिप्पणी पर मुख्यमंत्री योगी बोले यह मान देश सहन नहीं करेगा, कांग्रेस माफी मांगे। सचिन पायलट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर साधा निशाना, बोले सोनिया गांधी के साथ भाजपा का नेता का व्यवहार अमर्यादित। असम के 4 जिलों से 11 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, अलकायदा से जुड़े हैं तार। अब कर्नाटक में भी चलेगा बुलडोजर, सीएम बम्बई का सख्त संदेश, अशांति न फैलाएं, जरूरत पड़ी तो लागू करेंगे योगी मॉडल। फेडरल रिजर्व के बाद अब आरबीआई पर नजर, विशेषज्ञों को उम्मीद 0.50% तक रेपो रेट बढ़ा सकता है केंद्रीय बैंक, कर्ज होंगे महंगे। इंग्लैंड के बर्मिंगम में आधिकारिक तौर पर 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हो गई है, इस दौरान भारतीय खेमे की अगुवाई पीवी संधु ने की। राष्ट्रपति बाइडेन ने शी जिनपिंग को किया फोन, ताइवान के मुद्दे पर चीन ने यूएसए को आग से नहीं खेलने की दी चेतावनी। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी लोगों को सतर्क रहने की सलाह।